दोस्तों भीम सुबह जल्दी उठकर ढोल बजाने लगा क्योंकि आज भीम का मूड अच्छा था और भीम की माँ घर के बाहर पेंटिंग कर रही थी। बाद में भीम के डमरू की आवाज सुनकर पक्षी नाचने लगते हैं, लेकिन भीम के अत्यधिक ढोल बजने के कारण भीम की माता चित्र नहीं बना सकी। बाद में भीम की माता भीम से नाराज हो गई और भीम से ड्रम ले लिया और अलमारी में रख दिया। बाद में जब भीम की माँ पीछे मुड़ती है और भीम को नहीं देखती है तो वो अलमारी खोलती है और भीम को अलमारी के अंदर ढोल बजाते हुए पाती है। बाद में भीम की माँ भीम से ड्रम लेती है और उसे पर रख देती है और भीम को खेलने के लिए एक फुटबॉल देती है और भीम की माँ पेंट करने चली जाती है। विम फुटबॉल से ड्रम को हिट करता है लेकिन ड्रम नीचे नहीं गिरता, लेकिन फुटबॉल उसके घरेलू सामानों को तोड़ता रहता है। बाद में फुटबॉल ढोल से टकराई और ढोल भीम के पास आ गया। दोस्तों अब आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि भीम के साथ एक मजेदार कहानी होगी। बाद में भीम की माँ गुस्से में घर आती है, फिर वो पहले अपना कमरा साफ करती है और फिर भीम को बिस्तर पर लिटाकर भीम का डमरू लेकर निकल जाती है और बेचारा भीम परेशान होकर बैठ जाता है।